हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसबीआई क्लर्क 2019 के क्वेश्चंस, और ये इंग्लिश क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस 22 जून 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं, तो इनको हम डिस्कस करेंगे और इनकी मदद से आपको एक आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और क्या लेवल है। क्वेश्चन काफ़ी सरल पूछे जा रहे हैं, बैंक पीओ, एसबीआई पीओ में भी सरल पूछे गए थे, और एसबीआई क्लर्क के क्वेश्चंस भी काफ़ी सरल हैं। और मेंस में आप उम्मीद कर सकते हैं कि मेंस का पेपर जो होगा वो भी थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का ही होगा, इतना ज़्यादा टफ नहीं होगा। देखिए, एक ये क्वेश्चन है, इट इज़ वाइडली बिलीव दैट द विलेज विच इज़ सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया विल बी वाइप्ड आउट विद इन ए डिकेड। इसमें यह बोला जा रहा है कि ऐसा विश्वास किया जाता है कि कोस्टल एरियाज़ पर जो गाँव हैं, या एक पर्टिकुलर गाँव की इसमें बात हो रही है, वो अगले डिकेड में वाइप आउट हो जाएगा, वहाँ से हट जाएगा। मतलब कोस्टल एरियाज़ में, जैसा कि आप जानते हैं कि पानी का जो लेवल है, सी कोस्टल एरियाज़ में जो लेवल है वो बढ़ रहा है, तो उसकी इसमें बात हो रही है। चूंकि कोस्टल एरियाज़ में पानी का लेवल बढ़ जाएगा और वहाँ पर जो गांव होगा वो ख़त्म हो जाएगा, वो वाइप आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें बात हो रही है। तो ये वाला जो देखिए पार्ट, देखिए, इट इज़ वाइडली बिलीव, मतलब ऐसा विश्वास किया जाता है। वाइडली मतलब सब जगह, सभी जगह ऐसा विश्वास किया जाता है, या यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के द्वारा ऐसा विश्वास किया जाता है, ये बोला जा रहा है यहाँ पर। तो इट इज़ वाइडली बिलीव्ड होगा, क्योंकि ये क्या है, विश्वास किया जाता है, मतलब लोगों के द्वारा विश्वास किया जाता है। ये एक पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन है, ये एक्टिव वॉइस नहीं है। पैसिव वॉइस में हम इजम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ये जो इजम आर है इसके साथ हम यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। तो ये होगा आपका, इट इज़ वाइडली बिलीव्ड, इट इज़ वाइडली बिलीव्ड होगा ये। तो फर्स्ट पार्ट जो है, ये इस स्पॉटिंग एरर का एक क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट इसमें गलत है, फर्स्ट पार्ट इसमें आपका आंसर होगा। और यहाँ पर यदि आप देखें कि इंडिया, द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया विल बी वाइप्ड आउट, ये भी पैसिव वॉइस है, तो इसमें भी आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है। ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है सफाया हो जाना, वहाँ से हट जाना, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि थर्ड फॉर्म लगाया है, ठीक है। इज एम आर के साथ, इज एम आर, वॉज वर, और विल बी, शैल बी, इसके साथ हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं पैसिव वॉइस में। यहाँ पर इज एम आर है, तो यहाँ पर हम थर्ड फॉर्म इसमें लगाएंगे। आई होप ये अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा, और फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा। देखिए, एक ये फिलर का क्वेश्चन मिला है, ये कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे क्वेश्चन भेजे हैं, ठीक है। और जैसे जैसे और आगे के क्वेश्चन मुझे मिलते जाएंगे, उनके वीडियो क्लासेस भी मैं बनाऊँगा, ठीक है, तो उनको भी आप देख सकते हैं। देयर इज़ नथिंग टू इंडिकेट द बिल्डिंग्स पास्ट फायरप्लेस। देखिए, एक तरफ हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर जैसे आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सुना होगा कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब वहाँ पर जो रिमेन्स रह गए हैं उनको देख के आप नहीं बता सकते कि यहाँ पर पास्ट जो था, मतलब उस टाइम की जो हिस्ट्री थी वो कैसी रही होगी। तो इसमें हम वही बोल रहे हैं, देयर इज़ नथिंग टू इंडिकेट द बिल्डिंग्स पास्ट। बिल्डिंग का पास्ट क्या रहा है, बिल्डिंग का पास्ट क्या होगा, उसकी हिस्ट्री कैसी होगी, यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इस चीज़ को इंडिकेट करे, केवल एक चीज़ को छोड़ के, और वो है फायरप्लेस। जैसा कि घरों में फायरप्लेस होता है, आग जलाने का एक स्थान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं नथिंग, और यहाँ पर हम बोल रहे हैं फायरप्लेस। एक तरफ हम बोल रहे हैं कुछ भी नहीं, और एक तरफ हम बोल रहे हैं फायरप्लेस। तो मतलब इसका मतलब होगा कि यहाँ पर केवल एक्सेप्ट ही आ सकता है। एक्सेप्ट का मतलब होता है इसको छोड़ के, क्योंकि एक एंटिटी या एक नाउन हम यहाँ पर दे रहे हैं। तो देयर इज़ नथिंग टू इंडिकेट, कुछ भी वहाँ पर नहीं था इंडिकेट, जो इंडिकेट करता था उस बिल्डिंग के पास्ट को, उस बिल्डिंग की हिस्ट्री को। केवल एक चीज़ थी जो इंडिकेट करती थी कि इसका पास्ट कैसा रहा होगा, और वो थी फायरप्लेस। तो मीनिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्सेप्ट का मतलब होता है इसको छोड़कर। और इसमें एक वर्ड और होता है बारिंग, BARRING, बारिंग का मतलब भी एक्सेप्ट होता है, लेकिन बार नहीं, बार का मतलब होता है किसी को बाहर निकालना, उसको डिबार कर देना, उसको उस चीज़ से वंचित कर देना, ठीक है। एक्सक्लूडिंग का मतलब एक्सक्लूड करना, बिलोंग इंक्लूडेड नहीं होंगे। तो एक्सेप्ट का मतलब इसको छोड़कर, मतलब फायरप्लेस को छोड़कर कुछ भी वहाँ पर ऐसा नहीं था जो उस बिल्डिंग का पास्ट बता सकता था। तो एक्सेप्ट इसमें आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सर्कस एलिफेंट्स दैट परफॉर्म टुगेदर व्हेन क्रॉसिंग पाथ 23 ईयर्स लेटर। इसमें क्या बोला जा रहा है, सर्कस के तो एलिफेंट्स हैं, और उन्होंने साथ में कभी परफॉर्म किया था, और वो 23 साल बाद में मिलते हैं।
ठीक है, यदि आप अपने किसी खास फ्रेंड से 23 साल बाद मिलते हैं तो आपको कैसा लगेगा? दुख होगा या खुशी होगी? बहुत ज़्यादा खुशी होगी, बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा, पुरानी यादें आपकी जो हैं वो ताज़ा हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या वर्ड आ सकता है? देखिए यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा इसमें से? द सर्कस एलिफेंट दैट परफॉर्म टुगेदर व्हेन क्रॉसिंग पाथ 23 ईयर्स लेटर। 23 साल बाद जब वो मिले तो उन्होंने कैसा फील किया? यानी यहाँ पर एक ईडी फॉर्म की एक वर्ब आपको चाहिए जो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग भी सही हो। ठीक है, तो वर्ब यहां पर आपको चाहिए और वर्ब है इसमें रिजॉइस्ड। अब रिजॉइस्ड जो वर्ब है इसमें देखिए ईडी भी लगा हुआ है तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी ये सही है। रिजॉइस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुशी मनाना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगना, बहुत ज़्यादा अच्छा फील होना। तो रिजॉइस मतलब, रिजॉइस का मतलब है जॉयफुल फील होना। ठीक है, और देखिए हैप्पी एक एडजेक्टिव है इसमें, बिलीव वर्ब है लेकिन ईडी नहीं लगा है। एंगर्ड, आप गुस्सा नहीं होंगे, 23 साल बाद कोई फ्रेंड आपको मिलेगा तो वो गुस्सा आप नहीं होंगे, ग्रेटर नहीं आएगा इसमें क्योंकि ये एडजेक्टिव है। तो रिजॉइस यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एक देखिए इस तरह के क्वेश्चंस ये बैंक क्लर्क एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस बैंक क्लर्क एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस हैं ये। इसमें 4 वर्ड दिए होते हैं और एक वर्ड, चारों में से एक वर्ड या तो उसकी ग्रामर गलत हो सकती है, या तो वो इनएप्रोप्रिएट हो सकता है, या उसकी स्पेलिंग गलत हो सकती है। ठीक है, तो उस वर्ड को आपको पिक करना होता है। देखिए अ ब्रिटिश कोर्ट हैज़ रूल्ड दैट ब्रिटिश आर्म सेल्स टू सऊदी अरेबिया अनलॉफुल ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। इसमें ये बोला जा रहा है कि एक ब्रिटिश कोर्ट ने बोला है कि ब्रिटिश आर्म्स सेल्स टू सऊदी अरेबिया, मतलब ब्रिटिश आर्म्स की जो सेल्स थी जो सऊदी अरेबिया को उन्होंने की थी वो अनलॉफुल थी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर। उसको अगर देखा जाए तो वो कैसी थी? अनलॉफुल थी। तो यहाँ पर चूंकि सऊदी अरेबिया एक सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए और वेयर का मतलब तो पहनना होता है, तो पहनना तो बिल्कुल ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। यहाँ पर WERE वर होना चाहिए, सऊदी अरेबिया वर अनलॉफुल। ठीक है, तो वर जो ये जो वर्ड है इसमें ये इनएप्रोप्रिएट है। इसमें दो चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे, या तो वर्ड इनएप्रोप्रिएट होगा सही नहीं होगा, या उसकी स्पेलिंग जो होगी वो गलत होगी। ठीक है, तो इसका मैं PDF भी आपको दे दूंगा इसके, इस क्वेश्चंस का, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF भी आप वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ऐसा ही ये क्वेश्चन है और इसमें लिखा है आई एम टायर्ड ऑफ हियरिंग पॉलिटिशियंस मेकिंग पायस प्रोनाउंसमेंट अबाउट देयर डिवोशन टू द पीपल। मतलब मैं ऐसे पॉलिटिशियंस की जो बातें हैं, जो खोखले दावे हैं जिसमें वो बोलते हैं कि वो लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा डिवोटेड हैं, लोगों की सेवा वो करना चाहते हैं, मतलब उनके जो प्रोनाउंसमेंट हैं वो पायस होते हैं लेकिन वास्तव में वो पायस नहीं होते। ठीक है, पायस मतलब धार्मिक या रिलीजियस या अच्छे। तो इसमें टायर्ड जो है, टायर्ड की स्पेलिंग क्या होती है? TIRED होती है। टायर्ड जो है ये वर्ड की स्पेलिंग इसमें गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। और बाकी पायस प्रोनाउंसमेंट और हियरिंग ये वर्ड्स यहाँ पर सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर अडॉप्ट का सिनोनिम पूछा गया है। अडॉप्ट का क्या मतलब होता है? अडॉप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को अपनाना, अडॉप्शन आपने सुना होगा, अडॉप्शन इसका नाउन फॉर्म है। ठीक है, तो अपनाने के लिए यहाँ पर जो सही वर्ड है वो है एम्ब्रेस। एम्ब्रेस का मतलब ऐसे गले लगाना होता है, लेकिन अपनाना, जब गले हम जब लगाते हैं किसी व्यक्ति को, तब जब हम अपनाते हैं उसको, एक्सेप्ट करते हैं तभी हम उसको गले लगाते हैं। तो इम्ब्रेस यहाँ पर सही होगा आपका, थर्ड इसमें सही आंसर होगा। मोल्ड का मतलब किसी चीज़ को ढालना किसी शेप में, रिड्यूस कम करना। क्रिएटिव फ्लस्टर का मतलब कन्फ्यूज, तो यहाँ पर इम्ब्रेस जो होगा इसका इक्विवेलेंट वर्ड होगा। ये पैसेज में से एक क्वेश्चन पूछा गया है और एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन मुझे भेजा है। इंश्योर का सिमिलर वर्ड यहाँ पर चाहिए। इंश्योर का मतलब सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? देखिए पेस का मतलब तो गति होता है, रिडेंडेंट का मतलब जो चीज़ नीडलेस है जिसकी ज़रूरत नहीं है, वीकन मतलब कमजोर करना, रिजेक्ट का मतलब हटाना। तो इंश्योर जब आप किसी चीज़ को कर देते हैं तो उसको आप सर्टिफाई कर देते हैं, तो इंश्योर और सर्टिफाई ये मिलते जुलते वर्ड हैं। तो सर्टिफाई यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। एक्चुअली ये पैसेज के अकॉर्डिंग है, तो पैसेज तो इसमें है नहीं,
तो इसलिए आपको थोड़ा सा अजीब सा ये लग रहा होगा कि इंश्योर का सर्टिफाई कैसे होगा, लेकिन इंश्योर का सर्टिफाई सही है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि पैसेज में उसका सेंस सर्टिफाई के सेंस में एक्चुअली उसका यूज़ हो रहा होगा, और बाकी सारे जो वर्ड्स हैं पेस्ट रेंडेंट वो यहाँ पर यूजलेस हैं, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हैं। मैसिव इसका अपोजिट पूछा है, ठीक है, मैसिव का मतलब होता है बहुत बड़ा, ह्यूज भी जिसको हम बोलते हैं, और इसका अपोजिट होगा छोटा, स्मॉल या टाइनी, ठीक है, तो टाइनी तो इसमें दिया नहीं है, तो टाइनी का इक्विवेलेंट होगा इनसिग्निफिकेंट, जो महत्वपूर्ण नहीं है, जो बहुत छोटा है, तो इनसिग्निफिकेंट इसमें आपका मैसिव का अपोजिट होगा। इनलार्ज मतलब बहुत बड़ा, फिल्दी मतलब गंदा, डर्टी, बाउच मतलब गारंटी देना, जैसे आई कैन बाउच फॉर हिम, मैं उसकी गारंटी दे सकता हूँ, तो यहाँ पर इनसिग्निफिकेंट जो होगा वो अपोजिट इसका होगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस मुझे मिले हैं, और आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस मिलेंगे 22 तारीख की दूसरी शिफ्ट के और 23 तारीख के कुछ क्वेश्चन, तो उनके भी मैं वीडियो क्लासेस अपलोड करूँगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो क्लास, इसका PDF भी आप डाउनलोड कर लेना, नीचे मैं दे दूंगा इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना, और आगे से मैं जितने भी वीडियो क्लासेस अपलोड करूँगा उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अपलोड करूँगा, और उनके PDFs भी मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया करूँगा। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है ये भी आप ज़रूर बताएं मुझे, और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी या कोई भी आपका कन्फ्यूज़न है तो इन नंबर्स पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।